तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम जा रहे हैं बढ़िया ट्रिप पे, तो चलो चलते हैं और आपको बताएंगे आगे आगे। इस वीडियो में बने रहना, चलो एंड तक। ये हो गया हमारा सफर शुरू बेहतरीन हैदराबाद के लिए। चलो भाई, फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे कोच अन्नान भाई, दानिश भाई, मैं सरीवान जो मैं। अब हम जाएंगे हैदराबाद का सफर तय करेंगे इस ट्रेन के अंदर। इस ट्रेन का नाम है डोरंटो एक्सप्रेस। ये सीधी यहाँ से जाएगी हज़रत निज़ामुद्दीन से सीधा सिकंदराबाद हैदराबाद। डिपार्चर हो चुका है हमारा यहाँ से। तो ये हमारी पहली जर्नी होने वाली है इतनी लंबी 1600 किलोमीटर की, तो इसे तय करेंगे। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है निज़ामुद्दीन से, अब हम सीधा पहुँचेंगे काशी 400 किलोमीटर दूर। 400 किलोमीटर के बाद जाकर ट्रेन रुकेगी हमारी 8 बजे करीब। तो अभी हमने मस्त 200 किलोमीटर का अपना सफ़र तय कर लिया है, बेहतरीन बिल्कुल मज़ेदार रहा है फिलहाल। तो बाहर का तो गाइस मस्त बाहर का व्यू चेक करो। तो यहाँ पे मौसम हो रहा है बेहतरीन और ये आ चुका है पुल भी। अब आई डोंट नो ये कौन सी नदी है क्या है, बट जो भी है बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। चेक करो पुल की हाइट भी, चेक करो कितनी ऊँचाई पर बना रखा है, देखो है ना। बस पानी थोड़ा कम है क्योंकि अब बारिश शुरू हो जाएंगी, तो ये भी फुल चलेगी, बेहतरीन चलेगी बिल्कुल मस्त। तो हम ले रहे हैं सफ़र का मज़ा, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। पूरी वीडियो देखो एंड तक, बेहतरीन तरीके से देखना। ये हमारी खाली ट्रेन जर्नी होने वाली है इसके अंदर। इस व्लॉग में खाली हम ट्रेन जर्नी कवर करेंगे, देन बाकी की वीडियो जो है वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। हम लाए थे मैक्रोनी बनवा के, मैक्रोनी खाते चिल करते हैं। बारिश हो गई भाई साहब, यहाँ ये भैंसे भाग रही हैं, मस्त नहाएंगी अभी। ये देखो ट्रेन खड़ी है हमारी, बेहतरीन बारिश हो रही है भाई साहब। ये वन फर्स्ट एक्सपीरियंस बेहतरीन। तो अब हमने यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके अब हम एमपी के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये मस्त पहाड़ों वाला सीन शुरू हो चुका है। मूवी का सीन चल रहा है, बस थोड़ा लाइटिंग का इशू है, कोई नहीं एडजस्ट कर लेना जैसा भी है, लेकिन बढ़िया है। तो बस यही पहाड़े चलने शुरू हो गए एमपी के अंदर, थोड़ी देर बाद हमारा झांसी आ जाएगा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम झांसी जंक्शन। 400 किलोमीटर का सफ़र तय करा है। दानिश भाई कैसा लगा अभी तक 400 किलोमीटर का सफ़र, कैसा लगा? हाँ बस बढ़िया लगा, बैठे बेहतरीन मज़ा आया, बैठे मस्त, बिल्कुल चिल हो गया है बिल्कुल। यहाँ तक गाड़ी जो उन्होंने चलाई है ना 130, 150, 120, हमें सुबह पहुँचाएगी। हम सुबह होंगे नागपुर महाराष्ट्र में एंटर करेंगे सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। फिलहाल तो अभी हम एमपी में हैं झांसी में। चलो फिलहाल अभी हमने आइसक्रीम वगैरह लिए, इन्हें खाते हैं, मौज करते हैं, ऐश करते हैं। बाकी हालत मेरे चेहरे की ख़राब हो रही है थोड़ी सी, जैसे कि आप देख के समझ सकते हो, कोई बात नहीं। आ गई नई ट्रेन दूसरी। अन्नान भाई खा रहे हैं आइसक्रीम। अन्नान भाई एक बात बताओ, अगर बाय चांस गलती से हम दोनों में से कोई छूट गया तो तुम क्या करोगे? जो छूटा उसका बैग पहले भाई साहब बैग करो, हैदराबाद आ जाओ या दिल्ली चले आओ, जैसे तुम्हारा मन करे वैसा कर लो है। जैसी इच्छा होगा बैग का आप देख लो, बात देख लो भाई, हो गई सेटिंग, हो गई बात। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं वैसे 12:20 हो रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन पे खड़े हुए हम, ये खड़े हम, सन्नाटा पड़ा पूरा स्टेशन पे, यहाँ से लेके वहाँ तक। चेक करो अन्नान भाई मैटर केड़ा करवी आला करवी। चलो एक हमने नींद भी मार ली है बेहतरीन, अब चलते हैं पहुँचेंगे। मैंने कौन जूते पहने हैं। नंगे पैर खड़ा है भोपाल पे,
अगर बाई चांस हमने गेट बंद कर दिया ऐसे करके रह जाएगा यही नंगे पैर, ना फोन है ना कुछ। दिल्ली से 800-900 किलोमीटर दूर ऐसे खड़ा हो जाएगा ये। अभी हम पहुंच चुके हैं नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर हमारी ट्रेन आ चुकी है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी। अब यहाँ से निकलेंगे हम, अब इसके पहुँचेंगे बनारस, देन फिर पहुँचेंगे हम सिकंदराबाद हैदराबाद। देखेंगे भी और सफर तय करेंगे, अब चाइना से करेंगे मूवी दो यानी कुछ भी। समझ तीन ट्रेनियाँ पार कर चुके हैं, पहली थी हमारी यूपी, दूसरी थी हमारी एमपी मध्य प्रदेश, तीसरी हमारी महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र चल रही है, फिर भी थोड़ी देर बाद हम तेलंगाना के अंदर एंटर करेंगे। देखो महाराष्ट्र, देखो नागपुर। अभी अभी हमने जस्ट नागपुर का स्टेशन क्रॉस करा है। हमने यहाँ से लिया, हमने क्या लिया था, ये नाम क्या है इसका? इडली वड़ा, बिल्कुल ही 2 कौड़ी का है। मैं तो सॉरी, क्या जाप दे दिया इन्होंने, बस जबरदस्ती खाना पड़ लिया, पैसे दिए तो खाना पड़ेगा। अदनान भाई ने तो खाया नहीं, इनने भी ना खाया, खा के देख ले भाई। खाओ घर का खाना, खाओ घर का खाना, ये मत खाना भाई, 50 रुपये का मत खाना। बकरी कहते हैं सो अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, थोड़ा सा सफ़र रह गया बस। पूरी डेस्टिनेशन सही आ गए, 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी भाई साहब ने, ओला मिल रही होगी ना लाइन खाली करने। हाँ, सिकंदराबाद से 2 किलोमीटर पहले रुके। वंदन भाई कैसे लग रहा है यहाँ पे आगे? यार वो अभी लाइन के लिए ना आ गए। अरे पल्ली ओली पल्ली कर ली, चाय पी रही आना अगला वाला। अच्छा, यहाँ गड़े में ट्रैक पे मजे ले रहे हैं खड़े में, अब कोई ट्रेन आ गई बाई चांस तो ये मजे इनके मजे बन जाएंगे। हमेशा नेगेटिव ही हो रही है, हट जाएगा नहीं हट जाएगा ये चलो हमारे में सोंगे 4 के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे में। पच्चीस % बढ़ जाएगा हमारे में, पता कैसे गया बाहर को। अदनान भाई क्या कहो ना, क्या कहना पूछताछ में? कहेंगे हवा खानी थी, हवा खानी थी। फाइनली पहुंच चुके हैं हैदराबाद, हम अन्नान के चलने सामान लेके डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दानिश भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हैदराबाद ही हो गए ना भाई, चिल करो। तो हैदराबाद तो पहुंच गया भाई साहब बेहतरीन तरीके से, ट्रेन जो लेके आया लेकिन एंड में आके गद मचानी होती उन्हें, क्या नाम सारी की सारी तो कर दिया काम। लग रहा है यहाँ पे आगे वड़क्कम वड़क्कम करोगे तुम भी, वड़क्कम यहाँ पे आके तुम साउथ के मजे ले सकते हो। मुंह में आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारे, आवाज़ आएगी कहाँ से, स्पीकर ही अच्छा नहीं है तुम्हारा। मैं रहने दो। अन्नान भाई आ गया, कैसा लग रहा है तेलंगाना आके हैदराबाद बोले तो? फीलिंग अजीब अजीब कह रहे हैं भाई साहब। बस हमें तो बहुत मजा आ रही है भाई,
और आगे भी मजा आएगा। तो फाइनली लोकेशन पर आ गए जहाँ पे हमें आना था। नान भाई डन है, डन नान भाई कह रहे हैं डन। थक गया यार, दिल्ली का ट्रैफिक याद आ गया भाई। नुमान भाई यार दिल्ली का ट्रैफिक याद दिला दिया तुमने, तो इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक पूछो मत। हमने सोचा हैदराबाद आके ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यहाँ भी फंस गए हम ट्रैफिक में यार, ट्रैफिक में फंस गए हम आते यहाँ पे। मैं सुना हूँ बढ़िया उठ भाई, कहाँ आ गए तुम? अरे रेस लग गई, रेस लग गई, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, ये दो ठेकेदार आ रहे हैं आराम आराम से। तो आज फाइनली घर पहुंच चुके हैं, तो आज के ब्लॉग में इतने। अगर आपको हमारी ट्रेन की जर्नी बढ़िया लगी तो इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।